उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक साल से जंगली हाथियों का दल आतंक मचाए हुए है। अभी तक ये हाथियों का दल जंगल के क्षेत्रों में रहता था, लेकिन अब सड़कों और बस्तियों के नजदीक आने लगा है। पार्क प्रबंधक और सुरक्षा की दृष्टि से शाम 5 बजे से सड़क पर आवागमन बंद कर दिया गया है। जिस जोन में हाथियों का दखल होता है वह जोन पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। पिछले एक साल से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में विचरण कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से ये पनपता बफर और अपना पतौर क्षेत्र में थे। अभी पिछले कुछ दिनों से ये अपना खितौली और मगदी और धमोकर बफर में विचरण कर रहे हैं, जिसके वजह से हम लोगों को देख सुरक्षा दृष्टिकोण से पर्यटक जोन को भी बंद करना पड़ता है शाम के समय, क्योंकि हाथी जो है मेन रोड पर विचरण कर रहे हैं। तो सुरक्षा देखते हुए, क्योंकि दो पहिया वाहन काफ़ी मूव करते हैं, उसमें हाथी से कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो ऐसी दुर्घटना ना हो उसको देखते हुए हम लोग जो है कुछ अस्थायी रूप से सड़क को बंद कर देते हैं। और हम ये मानते हैं कि लोगों को काफ़ी तकलीफ भी होती है, दोनों तरफ जो है काफ़ी भीड़ भी लग जाती है गाड़ियों की, लेकिन मैं लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस मोमेंट पे जो है हम लोगों का सहयोग करें, थोड़ा संयम रखें और जितना हो सके या तो दिन में ट्रैवल करें या फिर कोई और रोड जो है रात्रि में उपयोग करें। तो है हम लोग जो है सुबह मूवमेंट देखते हैं हाथी का कि रात भर मूवमेंट कहाँ हुआ, और अगर मूवमेंट जो है किसी एक टूरिज्म जोन में रहता है तो उस प्रत्येक टूरिज्म जोन को हम उस हाफ के लिए या फिर उस दिन के लिए बंद करते हैं।